ट्रोल करने वाले बने हुए। देखो हमारे नेता ने आवाज उठा दी। एक उपेन यादव है जो 24 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 10 से 11 बड़े प्रदर्शन किए और लगातार आवाज उठाई और आज भी आवाज उठाई। इस दौरान लाठियां भी खानी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा और युवाओं के लिए चाहे 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियों की बात हो, बजट में घोषणा कराने की बात हो, पेपर लीक माफियों के खिलाफ लड़ने की बात हो, कानून के लिए लड़ने की बात हो, और जो पहले वाला जो कानून जो 5 अप्रैल 2022 को आया था उसके लिए भी मुझे याद है कि जब मैं 14 अक्टूबर को जब अनशन पे बैठा था 2021 में, जब मेरा अनशन तोड़वाया गया था, तब सरकार ने वादा किया था और वो अनशन के कारण ही वो कानून आया था। और ये जो हमने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और ये दूसरा अनशन हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री जी से 12 मार्च को सहमति बनी, इसके बाद ये कानून आ रहा है। युवाओं का दर्द मैं जानता हूँ, युवाओं की पीड़ा मैं जानता हूँ, किस प्रकार वो तैयारी करते हैं, उनको सपनों को बेचने का काम ये माफिया करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम इसको पूरा कामयाब नहीं कह सकते हैं। अभी कानून हमारी मांग हमारे संघर्ष के बदौलत का उम्र के की सजा का कानून आया, लेकिन जब तक सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो उसको धरातल पर लागू करें, जो युवाओं को सपनों को बेचने वाले हैं वो हमेशा के लिए जेल में नहीं चले जाए, उम्र कैद की सजा कानून के लिए लागू नहीं हो जाए, उनकी संपत्ति जब्त नहीं हो जाए तो और उनका आर्थिक दंड नहीं हो जाए, उनकी कमर टूटना जरूरी है। 24 दिसंबर को सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, मैं उनके बीच में गया, मैं परीक्षा केंद्रों पर पहुंचा, उनके हालत देखे, कई बहनें ऐसी थी अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ के आई थी, उनके आंखों में आंसू देखे। तो उस समय मैंने मन में एक संकल्प लिया था कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और ऐसा कानून आए जो युवाओं को सपनों को बेचने से बचाए। ठीक है, जो आरोप लग रहे हैं कि 100 लोगों का यहाँ से नंबर आया है या जो पूरे आरपीसी सदस्य के संतानों का नंबर है, उसकी जाँच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो उमर सीट वाला प्रकरण है कि वो उसकी जाँच के मांग कर रहे हैं और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति यूपीएससी की तर्ज पर। 1 लाख भर्तियों को राजनेता भूल गए। मैं चाहता हूं 1 लाख भर्तियों का परीक्षा भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, 1 लाख भर्तियों का विभाग वारीकरण हो, जो 1 लाख प्रक्रियाधीन है, 48,000 तो है तृतीय श्रेणी शिक्षक के, और इसके अलावा पीटीआई है, चिकित्सा सेवा की जो भर्तियां हैं वो 1 लाख प्रक्रियाधीन लगभग है, वो आचार संहिता से पहले पूरी हो, उनकी ज्वाइनिंग हो, और इसके अलावा 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। इस बार चुनाव जाति और धर्म के आधार पर नहीं हो, बेरोजगारी रोजगार पेपर लीक मुद्दे पर हो और यह कानून सरकार धरातल पर लागू करके एक मिसाल पेश करे। जितने जब बाबूलाल कटारा चाहे गोपाल केसावत हो, सबकी संपत्ति जब्त करे, सरकार एक कड़ा में सिद्ध और इनका आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शिता के साथ ईमानदार और अच्छे व्यक्ति करे, यूपीएससी की तर्ज पर करे, जो लगातार हम मांग करें सिस्टम को सुधार करे, युवाओं के साथ न्याय करे, ये लगातार इसके लिए संघर्ष जारी है। 25 जुलाई को एक बार फिर हम आवाज बुलंद करेंगे युवाओं के अधिकारों के लिए।